हेलो प्यारे बच्चों, आज हम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल प्री बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 12th मैथमेटिक्स के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको इससे पीछे के क्वेश्चन चाहिए तो जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोलता है कि इफ ए मैट्रिक्स आपके पास है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज आपके पास आई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपको यार अल्फा की वैल्यू देनी है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई मैं लेके चलूंगा। तो a आपके पास क्या है, ये मैट्रिक्स रहा, मैं लिख लेता हूं कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ऐसे ही मैं प्लस करके a का ट्रांसपोज लिख लूंगा। a का ट्रांसपोज मतलब आपकी जो फर्स्ट रो है, आपकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगी, फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगी, और यार जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो है वो क्या बनेगी, सेकेंड कॉलम बनेगी। इज इक्वल टू आई, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा की वैल्यू आपके सामने होगी। तो यार इनको जोड़ते हैं तो देखिए, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, और यार साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 1 0 0 1 चल रहा है। आपको दो इक्वल मैट्रिक्स नजर आ रहे होंगे, यस प्यारे बच्चों, दो इक्वल मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं, इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे बराबर। तो यार 0 इज इक्वल टू 0 लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो आप लिखो 2 cos अल्फा किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये 0 इज इक्वल टू 0 लिखने का भी कोई फायदा नहीं, ये 0 इज इक्वल टू 0 लिखने का भी कोई फायदा नहीं, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 यहां पर हम लिख सकते हैं। तो कोस अल्फा कितना आया, 1/2, और अल्फा जो आएगा वो आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। यस प्यारे बच्चों, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 ये किस कॉन्सेप्ट से लेके आए वो और जान लो। अगर आपका कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई होता है तो आप एक्स लिख सकते हो 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो यहां पे मैंने यही सीन बनाया, क्या कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस पाई बाई 3। यस प्यारे बच्चों, ये कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस पाई बाई 3। तो इस फॉर्मूले में इसकी सूरत मैच हो रही है। तो यार यहां पे x आपका 2n पाई प्लस माइनस y था, तो यहां पे आपका अल्फा क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस में पाई बाई 3। इसको देखते हुए तो आपकी अल्फा की ये वैल्यू है, अल्फा की ये वैल्यू। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देनी आपको छोटी सी, यहां पे आपको n बिलोंग्स टू इंटीजर और लिख लेना। यस प्यारे बच्चों, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये किस चीज के लिए होता है, जब n आपका क्या हो, इंटीजर, ये आपको और लिख लेना है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है कि फाइंड दिस, आपको इसको फाइंड करना है। तो यहां पे इंटीग्रेशन सोल्व करना है, बढ़िया से कर दोगे आप, करोगे क्या, इसमें सबसे पहले e की पावर x इंटू सीकेंट x की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, e की पावर x इंटू में सीकेंट x प्लस e की पावर x इंटू में सीकेंट x इंटू में tan x साथ में dx। अब मैं इसको लिखने वाला हूं क्या, e की पावर x इंटू में सीकेंट x dx प्लस में e की पावर x इंटू में सीकेंट x इंटू में tan x dx, ऐसे लिख सकता हूं। यस, अब ध्यान से देखिए, आपको secant x फंक्शन दिख रहा होगा, secant x इंटू tan x उसका डेरिवेटिव दिख रहा होगा, तो मैं इसको सोल्व करता हूं, इसको एज इट इज रखता हूं, ये कहीं ना कहीं कटेगा, तो इसको सोल्व करते हैं आईलेट से। इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड, फर्स्ट सेम, secant x सेम, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफ्रेंशिएशन secant x का होगा secant x इंटू में tan x, और यार e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर x साथ में dx, प्लस में ये आपका e की पावर x इंटू में secant x इंटू में tan x साथ में dx। मैंने कहा था इसको सॉल्व नहीं करना, देखो ये और ये बिल्कुल सेम चीज है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, दोनों होंगे कैंसिल, आंसर आएगा e की पावर x इंटू में secant x प्लस में c। इसके और में एक और क्वेश्चन है, वो और देखते हैं। यस, इसके और वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि इफ ये इज इक्वल टू ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है, तो निकालते हैं ए की वैल्यू। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 0 से a आपका इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, यहां से मैं नीचे से 4 कॉमन निकाल रहा हूं, तो बाहर 1/4 बनेगा,
ऊपर आपका dx, नीचे आपका यहां पे 1 अपॉन में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, यस। और 1 अपॉन 4 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2 सारे का स्क्वायर, बिल्कुल। 1 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हो, 1 बाई 2 सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 8, इज इक्वल टू पाई बाई 8। यहां पे आपके एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, देखिए 1 बाई 4 तो भारी है, कौन सा, 1 बाई ए टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। और यार लिमिट क्या है आपकी, लिमिट लिमिट 0 से a है, ये भी आपको लगानी पड़ेगी। उधर आपका पाई बाई 8। करते हैं थोड़ा और सॉल्व, तो 2 टू जा 4, तो यहां से तो आपका आ गया 1 बाई 2 भार। और यार अंदर ध्यान से देखिए, मैं इस 2 को ऊपर लेके जाऊं तो क्या बनेगा सारा आपका 2x, क्या बनेगा 2x। अब मैं एक काम करता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूं, मतलब कि टेन इनवर्स 2a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई बाई 8, इज इक्वल टू पाई बाई 8। तो यहां पे आपका 2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा या नहीं, तो इधर से tan इनवर्स 2a और ये tan इनवर्स 0 लिखो चाहे मत लिखो, और ये 2 उधर जाएगा ऊपर, तो इसको बना देगा पाई बाई 4 काट पीट के, क्या बना देगा पाई बाई 4। और यार 2a यहां से आया tan पाई बाई 4, 2a कितना आया tan पाई बाई 4, और आपका 2a अब कितना बन गया, tan पाई बाई 4 होता है 1, तो a की वैल्यू आई 1/2। प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आई, 1/2, यही आपको बताना था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y is equal to cos x बिटवीन x is equal to 0 एंड x is equal to pi। तो एक तो आपको 0 से लेके पाई तक cos x की फोटो पता होनी चाहिए क्या होगी। अगर इसकी फोटो पता है 0 से पाई तक, तो आप अच्छे से एरिया यहां पे निकाल सकते हो। तो देखो 0 से पाई तक इसकी फोटो ये होगी भाई, 0 से पाई तक इसकी फोटो ये होगी, मैं बता दूं आपको, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0 आपका, और ये आपका हो गया पाई बाई 2, और ये आपका हो गया अब पाई। आपको ये एरिया बताना है, एक तो ये एरिया बताना है, और एक आपको ये एरिया बताना है, ठीक है, ये एरिया बताना है। तो सीधी सीधी बात ये है, यहां पे एक तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक y dx लिखना है मॉडुलस के साथ, लेंथ मॉडुलस y, चौड़ाई dx, प्लस एक आपको पाई बाई 2 से लेके पाई तक, पाई बाई 2 से लेके पाई तक लेंथ फिर मॉडुलस y, और साथ में चौड़ाई आपकी dx, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लेंथ मॉडुलस y और चौड़ाई dx। आपको किन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का s करना है, s मतलब सम, जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, उनके एरियाज का s करना है, यस। ऐसे ही यहां पे उनके एरियाज का s करना है, यस, s, s बोले तो इंटीग्रेशन, यस, ठीक है। अब देखो आप अब मॉडुलस हटाओगे, हटाओगे मॉडुलस, कैसे हटाओगे देखना। अगर x एक्सिस से ऊपर का आप अगर y देखो तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो y dx लिख दो प्लस के साथ, और x एक्सिस के नीचे जो y होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो मैं यहां पे मॉडुलस हटा के माइनस लगाऊंगा और पाई बाई 2 से पाई dx y dx, क्लियर। y कौन है, y कौन है cos x, मैं यहां पे बारी बारी से दोनों जगह cos x रख देता हूं, 0 से पाई बाई 2 cos x dx, 0 से पाई बाई 2 cos x dx माइनस माइनस पाई बाई 2 से पाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई कोस एक्स डीएक्स। अब यार कुछ भी नहीं करना, कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लिमिट यहां पे आपकी 0 से पाई बाई 2, ऐसे ही इधर भी साइन एक्स, लिमिट आपकी पाई बाई 2 से पाई। करते हैं थोड़ा सोल्व, आंसर आ जाएगा। देखो अपर लिमिट दो साइन पाई बाई 2 1, माइनस लोअर लिमिट दो साइन 0 0, ऐसे ही ये माइनस लगा के अब अपर लिमिट दो साइन पाई 0, माइनस लोअर लिमिट दो माइनस 1। करते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई, तो देखो 1 माइनस 0 1, और ये 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर यूनिट्स, 2 स्क्वायर यूनिट्स यहां पे आपका आंसर होगा। प्यारे बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसके और में भी एक क्वेश्चन है वो इसके बाद करेंगे। कहता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार डिग्री कैसे निकालते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है या नहीं। यस, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, यहां पे हम डिग्री निकाल सकते हैं। ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यहां पे हम डिग्री निकाल सकते हैं। डिग्री निकालने का क्या फंडा होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे 2 है और उसकी पावर 2 है, तो यहां पे आपकी जो डिग्री हुई, यहां पे जो आपकी डिग्री हुई प्यारे बच्चों, वो ही 2 डिग्री 2 होगी। आंसर यही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका और वाला। और वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है, मतलब आईएफ बताना है। तो आईएफ निकालने से पहले मैं इसको इस सूरत में लेके आऊंगा, dy by dx plus py is equal to क्या होंगे, इस सूरत में लेके आऊंगा। तो ये इस सूरत में ये चीज कब आएगी, जब हम यहां पर dy by dx का जो कोफिशियंट है वो 1 बनाए, तो बोथ साइड में x से डिवाइड कर देता हूं, बोथ साइड में x से डिवाइड कर देता हूं, तो dy बाई dx माइनस 1 बाई एक्स वाई और आपका 2 इंटू में x आ जाएगा, x x करके। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन pdx। अगर हम इनको कंपेयर करें तो p की वैल्यू क्या है यहां पे, माइनस 1 बाई एक्स, तो मैं यहां पे माइनस 1 बाई एक्स रख सकता हूं पी की जगह, बिल्कुल माइनस 1 बाई एक्स डीएक्स। करता हूं थोड़ा सोल्व, ई की पावर माइनस एल एन एक्स, ई की पावर माइनस एल एन एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं ई की पावर एल एन एक्स की पावर माइनस 1, और यार ये आएगा आपका एक्स की पावर माइनस 1 सोल्व होके, क्योंकि ई की पावर एल एन एफ एक्स क्या होता है आपका, एफ एक्स ये होता है। यस, तो x की पावर माइनस 1 जिसको आप 1 बाई एक्स भी लिख सकते हो। तो आपका जो आई एफ आएगा प्यारे बच्चों, आई एफ जो है वो क्या है, 1 बाई एक्स, आई एफ आपका 1 बाई एक्स है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बताने। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालना आपके लिए बहुत आसान है, डायरेक्शन रेशियोज निकालना आपके लिए बहुत आसान है। कैसे, वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स है, वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स है वही क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या क्या स्केलर कंपोनेंट्स, 1, 1, -2 है ना ये, और साथ में क्या कह रहा है, साथ में क्या कह रहा है, एंड हेंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस भी बताने, डायरेक्शन कोसाइंस भी बताने ये बोल रहे हैं। तो यार डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ए वेक्टर ही इसका यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, जिसको मैं वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा। तो ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस में जे कैप माइनस 2k कैप, और यार इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो अंडर रूट आई कैप का कोफिशियंट का स्क्वेयर, कौन यहां पर स्केलर कॉम्पोनेंट भी कह सकते हो, प्लस जे कैप वाले का स्क्वेयर और यार प्लस के कैप वाले का स्क्वेयर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, आई कैप प्लस जे कैप माइनस में 2k कैप अपॉन में रूट 4 + 1 + 1 = 6, और इसको यार अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 / √6 आई कैप प्लस 1 / √6 जे कैप माइनस 2 / √6 k कैप। आपने यूनिट वेक्टर निकाला किसके लिए, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए, और यूनिट वेक्टर यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स ही आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो यहां पे क्या हुए, डायरेक्शन कोसाइंस आपके 1 / √6 - 2 / √6, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस और ये आपके डायरेक्शन रेशियोज। आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं।